नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि पासवान। आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड की वादियों में आजकल बॉलीवुड ने अपना डेरा डाला हुआ है। इसी कड़ी में कई कलाकार जिनमें मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर, पल्लवी जोशी, चिन्मय जैसे सुप्रसिद्ध कलाकार लगातार शूटिंग में व्यस्त हैं। मसूरी के बाद आज बॉलीवुड के कलाकार राजधानी देहरादून की एक मुस्लिम कॉलोनी में शूटिंग करने पहुंचे, जहां स्थानीय लोगों का जमावड़ा लग गया। हर कोई कलाकार की एक झलक देखने को बेताब था। शूटिंग की व्यवस्था देख रहे बज मेकर्स कंपनी के सीईओ गौरव गौतम और पर्व बाली ने जानकारी देते हुए बताया कि बॉलीवुड के कलाकारों का यहां का मौसम बेहद पसंद आया है। विशेषकर अनुपम खेर तो यहां के मुरीद हो गए। आगे भी कलाकारों का उत्तराखंड में आने का प्रोग्राम प्रस्तावित है। वहीं कंपनी के पर्व बाली ने बताया कि कंपनी यहां के लोकल लोगों को रोजगार मुहैया करा रही है। अभी तक 1400 लोगों को कंपनी रोजगार दे चुकी है। पर्व ने बताया कि कोरोना को देखते हुए शूटिंग के दौरान खासा ख्याल रखा जाता है कि हर कोई मास्क लगाए ही साथ ही सैनिटाइजर का उपयोग भी लगाए। उत्तराखंड लाइव न्यूज के लिए देहरादून से अजय मित्तल की रिपोर्ट। नाम से जो अभी हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, इसमें लगभग 1400 जूनियर आर्टिस्ट को अभी तक रोजगार मिल चुका है। और हमारी रोज की आप लगा लीजिए 40 से 45 गाड़ियां चल रही है। तो 40 से 45 गाड़ियों का मतलब है कि 40 ड्राइवर, उनकी गाड़ियां, उनका सब परिवार पल रहा है। हमने यहाँ पे उत्तराखंड के अंदर इस शूटिंग में अभी तक 11 होटल हम यूज कर चुके हैं, ले चुके हैं। तो 11 होटल्स में भी हमारा रोजगार फुल, हमारा होटल पैक चल रहा है। तो काफ़ी लोगों को रोजगार मिल रहा है। इवन जो हमारे यहाँ पे लेबर्स है, सैनिटाइजेशन हो रही है, इन सबको भी हमारी वजह से यहाँ रोजगार मिल रहा है। बहुत सारी ऐसी लोकेशंस में हमने शूट किया जो काफ़ी घर थे, गरीब घर भी थे, उधर भी हमने शूट किया। कुछ बस्तियों में हमने शूट किया। एक तो हमारी कोविड वॉरियर है जो सिर्फ ये देखती है, कोविड ऑफिसर है, वो सिर्फ ये देखती है किसने मास्क पहना है नहीं पहना है। जो लोग आता है, सबसे पहले जो आते हैं उनकी एंट्री होती है, 3 बार दिन में 4-5 बार थर्मल चेकअप होता है। रोज जैसे आते हैं सैनिटाइजेशन होती है पूरी लोकेशन की, उसके जाने के बाद सैनिटाइजेशन होती है, बीच में इक्विपमेंट्स वगैरह सैनिटाइज करते रहते हैं। मास्क हम लोग सब यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, मास्क, ग्लव्स, सब पीपीई किट तक भी लोग पहन रहे हैं। इस तो बहुत अच्छे से इसका ध्यान रखा जा रहा है और अभी तक सब लोग फिट एंड फाइन है, कोई ऐसा केस हमारे बीच में निकला नहीं। और सारे लोग जो यहाँ उत्तराखंड में आए थे वो सारे अपना कोविड टेस्ट करवा के आए थे। सर बेसिकली अभी हम लोग एक फिल्म की शूट कर रहे हैं जिसमें काफ़ी सारे कलाकार हैं, जैसे अनुपम खेर सर हैं और मिथुन चक्रवर्ती हैं, पल्लवी जोशी मैम हैं, इसके डायरेक्टर हैं विवेक अग्निहोत्री जी। तो फिल्म का नाम तो हम आपको डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते, उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। बट इसमें जो हमारे लोकल कलाकार हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है और इसमें काफ़ी सारे लोकल कलाकार हैं, जैसे कि कुछ कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं, कुछ सपोर्टिंग रोल्स हैं। करीबन रोज़ के रोज़ हमें 70 से 80 लोग यहाँ पर रोज़ जो लोकल में हैं एक्टर्स, उन लोगों को रोज़गार मिल रहा है। उसके साथ के साथ बाकी जैसे लॉकडाउन अभी हुआ है, उसके बाद जैसे कई ट्रांसपोर्ट वाले बेचारे खाली थे तो उनको भी यहाँ पर रोज़गार दिया जा रहा है। बाकी और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम जस्ट यही एक सर मुहिम छेड़ी है कि जितने लोगों को हम अपने लेवल पे एक योगदान कर सके वो हम कर रहे हैं। आज अभी हम लोग यहाँ देहरादून में लकड़ मंडी में शूटिंग कर रहे हैं एक आरा मशीन में, और इससे पहले हम लोग मसूरी में शूटिंग करा, वहाँ पर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा। और हमारा शासन प्रशासन उत्तराखंड का बहुत सपोर्टिव है और यहाँ पर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस चल रहा है हमारा। कलाकार आए हैं, उन्हें किस तरह का माहौल लग रहा है? अनुपम खेर सर बहुत खुश हैं, इवन उन्होंने काफ़ी सारे यहाँ पर सपोर्टिंग वीडियोज़ भी बनाई हैं सोशल मीडिया पर। उनको यहाँ का मौसम बहुत अच्छा लगा। मिथुन दादा आए थे, मिथुन दादा अभी फ़िलहाल चले गए हैं, अभी मिथुन दादा वापस आने वाले हैं, दोबारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है उनका, तो वो भी हम ही कर रहे हैं। तो काफ़ी मतलब कलाकारों को यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है। आगे किस तरह की प्लानिंग है? आगे काफ़ी सारे और हम बॉलीवुड फिल्म्स करने वाले हैं और कुछ वेब सीरीज हैं, तो बस यही हमारा चल रहा है। सर बेसिकली अभी हम लोग एक फिल्म की शूट कर रहे हैं जिसमें काफ़ी सारे कलाकार हैं, जैसे अनुपम खेर सर हैं और मिथुन चक्रवर्ती हैं, पल्लवी जोशी मैम हैं, इसके डायरेक्टर हैं विवेक अग्निहोत्री जी। तो फिल्म का नाम तो हम आपको डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते, उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। बट इसमें जो हमारे लोकल कलाकार हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है और इसमें काफ़ी सारे लोकल कलाकार हैं, जैसे कि कुछ कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं, कुछ सपोर्टिंग रोल्स हैं। करीबन रोज़ के रोज़ हमें 70 से 80 लोग यहाँ पर रोज़ जो लोकल में हैं एक्टर्स, उन लोगों को रोज़गार मिल रहा है। उसके साथ के साथ बाकी जैसे लॉकडाउन अभी हुआ है, उसके बाद जैसे कई ट्रांसपोर्ट वाले बेचारे खाली थे तो उनको भी यहाँ पर रोज़गार दिया जा रहा है। बाकी और बहुत सारी चीज़ें हैं।
तो हम जस्ट यही एक सर मुहिम छेड़ी है कि जितने लोगों को हम अपने लेवल पे एक योगदान कर सके वो हम कर रहे हैं। आज अभी हम लोग यहाँ देहरादून में लक्कड़ मंडी में शूटिंग कर रहे हैं एक आरा मशीन में, और इससे पहले हम लोग मसूरी में शूटिंग करा, वहाँ पर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा, और हमारा शासन प्रशासन उत्तराखंड का बहुत सपोर्टिव है और यहाँ पर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस चल रहा है हमारा। कलाकार आए हैं, उन्हें किस तरह का माहौल लग रहा है? अनुपम खेर सर बहुत खुश हैं, इवन उन्होंने काफ़ी सारे यहाँ पर सपोर्टिंग वीडियोस भी बनाई हैं सोशल मीडिया पे, उनको यहाँ का मौसम बहुत अच्छा लगा। मिथुन दादा आए थे, मिथुन दादा अभी फ़िलहाल चले गए हैं, अभी मिथुन दादा वापस आने वाले हैं, दोबारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है उनका, तो वो भी हम ही कर रहे हैं, तो काफ़ी मतलब कलाकारों को यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है। आगे किस तरह की प्लानिंग है? आगे काफ़ी सारे और हम बॉलीवुड फिल्म्स करने वाले हैं और कुछ वेब सीरीज़ हैं, तो बस यही हमारा चल रहा है अभी के लिए। बस इतना ही काफी, बने रहिए उत्तराखंड लाइव न्यूज के साथ।